माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मापिंड चौक में माँ बंगलामुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में माँ बंगलामुखी धाम के संचालक एवं संस्थापक नवजीत भारद्वाज की देखरेख में हुआ, जिसमें सर्वप्रथम मुख्य यजमान संजय अरोड़ा से वैदिक रीति अनुसार गौरी गणेश नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार कलश पूजन उपरांत ब्राह्मणों ने आए हुए सभी भक्तों से माँ बंगलामुखी जी के निमित्त मालह मंत्र जाप एवं हवन यज्ञ में विशेष रूप से आहुतियां डलवाई। वहीं हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति के उपरांत नवजीत भारद्वाज ने आए हुए मां भक्तों से कहा कि जिस मनुष्य के जीवन में संस्कारों का अभाव है, वह व्यक्ति समाज और ईश्वर के निकट नहीं जा सकता। अगर संस्कार जीवन में है तो आज भी ध्रुव प्रहलाद जैसी संतानें धरती पर आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि ध्रुव के जीवन में वेद वेदांत का ज्ञान संस्कारों से आया। आज का मनुष्य वस्त्र आदि से मनुष्य दिखता है, लेकिन आचरण पशु तुल्य है। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य करुणा भावना चली गई हो, वह मनुष्य जीते जी मुर्दे के समान होता है। अंतः मनुष्य को सत्संग भजन एवं आचरण के द्वारा जीवन को धन्य बनाना चाहिए, तभी मानव जीवन का उद्देश्य सफल होगा। वे उन्होंने कहा कि नारायण की भक्ति में ही परम आनंद मिलता है, उसकी वाणी सागर का मोती बन जाती है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, वासनाओं का त्याग करके ही प्रभु से मिलन संभव है। इस अवसर पर तमन्ना अरोड़ा, सीए राजीव बांसल, एडवोकेट राजकुमार, रोहित भाटिया, सौरभ रवि, समीर कपूर, सौरभ अरोड़ा, राकेश प्रभाकर, बलजिंदर सिंह, अमरजीत सिंह, बाबा जोशी, नवदीप, उदय, अजीत कुमार, गुलशन शर्मा, अश्विनी शर्मा, धूपवाले, मुनीश शर्मा, दिशांत शर्मा, अमरेंद्र शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, विवेक शर्मा, श्यामलाल, अभिलक्ष्य चुग, सुनील, राजीव, राजन शर्मा, प्रिंस, अशोक शर्मा, ठाकुर बलदेव सिंह, अजीत साहू, प्रवीण, दीपक, अनीश शर्मा, साहिल, सुनील जग्गी सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी विशाल लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जब करे मां बगड़ा मुक्ति जी दा बोल साजे दरबार की जय, दरबार की जय हो, दरबार की जय हो, मां के प्यार की जय हो, मां के प्यार की जय हो। अपने सारे और राती भी नौ
जिहड़ा महामाई चौकी उहदे पहुंचणा है और महामाई दा आशीर्वाद लैणा है। जकारा बदला मुखी बना देणा हो।